यहाँ थाना सिविल लाइन जनपद मुजफ्फरनगर की कच्ची सड़क के पास एक प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई है। ये गोदाम राशिद नाम के व्यक्ति का है और यहाँ पर 3 फायर टेंडर्स इस समय हैं। आग को काफ़ी हद तक काबू कर लिया गया है। अंदर जो पड़ा बाकी सामान है उसके और जहाँ पर आग है वहाँ पर फायर लाइन बना दी गई है। किसी प्रकार का कोई कैजुअल्टी नहीं है। आसपास के क्षेत्रों को इवैक्यूएट करा दिया गया है क्योंकि प्लास्टिक की आग है तो उसमें से जहरीला धुआं निकल रहा है। इसमें सिटी मजिस्ट्रेट और हमारे ASP CO सिटी की टीम गठित कर दी गई है कि इसकी लाइसेंस और इसकी कानूनी वैधता को जांच लें और यदि नहीं पाया जाता है तो ये गोदाम सील होगा। इसी के साथ साथ एक अभियान चलाकर जो भी आसपास के इस प्रकार के प्लास्टिक के अथवा किसी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थों के गोदाम में जहाँ पर फायर ऑडिट नहीं है या फिर उनके पास NOCs नहीं है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सर, किसी व्यक्ति की जानकारी नहीं, अभी किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी की सूचना नहीं है। पता चल पाया किस तरीके से ये आग लगी? अभी प्रथम दृष्टिया जो लोगों से बात की उनका कहना है कि हो सकता है शॉर्ट सर्किट से आग लगी, लेकिन जब तक कि हमारी फायर एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट नहीं आती कुछ कहना भी ठीक नहीं होगा। सर, लगातार 8 बजे से आग लग रही है, कितना अब तक काबू पा लिया गया है, कब तक पूरी तरह से काबू पाया जा सकता है? देखिए, ये आग क्योंकि प्लास्टिक की थी तो शुरुआती दौर में आग बहुत ही ज़्यादा ऊंची लपटे फेंक रही थी। यहाँ पर 3 टेंडर शुरुआत से लगे हुए थे। हमारे FSO और हमारे जितने भी फायर डिपार्टमेंट कर्मचारी हैं यहाँ कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। बाकी सिविल पुलिस ने एरिया को कॉटन कर लिया है। अब आग काफ़ी हद तक काबू पर है। हमने अभी मेरठ और सहारनपुर से भी एक्स्ट्रा फायर टेंडर्स की रिक्वेस्ट भेज दी है। कुछ मकान खाली कराए जा रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे यहाँ के लोगों को? देखिए, हमने जैसा पहले बताया कि बाकी आसपास के एरिया के इवैक्यूएशन कर दिया गया। एक तरफ पीछे जो कॉलोनीज थी और एक तरफ जो मदरसा था, दोनों इवैक्यूएट करा दिए गए। थैंक यू।